की एक नेगेटिव चीज मेरे कान <laughs> पॉजिटिव सुनने को। How you met, बहुत इमोशनल है घर में सिर्फ एक एक और आज आप लोग देखने वाले ए मच अवेटेड हम कीर्ति को बहुत टाइम से कन्वेंस कर रहे हैं कि ठीक है यार क्यू ए बना दे एक बहुत सारी बातें जो लोगों को जाननी है तो ब्लॉग में तो पता नहीं कब तक बता पाएगी आज ही बता दे तो हमने क्यू ए में कुछ बड़े जोरदार से क्वेश्चन सेलेक्ट करे हुए हैं जो कि लोगों का मंत्र से पूछने का और इंस्टा से उठाया उसको दिए तो ओके भाई टाइम वेस्ट नहीं करते ठीक है तो आप देखते हैं कीर्ति के बारे में आपको कितना पता है मतलब बहुत सारे आंसर्स ऐसे हैं जो आपको पहले से पता होंगे या फिर नहीं ओके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से की ठीक है क्लास ट्वेल्थ के बाद सबसे पहले मैंने अपना बीबीए करा एविएशन ऑपरेशन डायरेक्ट ट्वेल्थ में पहुंच गई नहीं <laughs> 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 क्लास मतलब पूरा के, के बाद, पीसीएम लिया होगा वो तो खैर मतलब कुछ तो लिया होगा ना क्या वो सब तो पता सही से बताया <laughs> टेंथ में नंबर टेंथ वाले याद नहीं है मुझे मैं मैं बताता हूँ <laughs> नहीं नहीं टेंथ में आए थे सेवन

ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करना तो एक होता है लाइन ट्रेनिंग ग्राउंड ट्रेनिंग और सिमुलेटर ट्रेनिंग तो इन तीनों को आ, उनका पूरा का पूरा टाइम मतलब पूरा टाइम टेबल बनाना एक महीने पहले से उनकी फ्लाइट्स और ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो उनके फ्लाई करने से पहले वो सारी चीजें ध्यान में रखना वो सारा मेरा काम था तो ये मेक श्योर sure करती थी तो भाई इसका एक फायदा हमें था कि इंडिगो की अपने को फ्लाइट्स में सिर्फ टैक्सेस देने पड़ते थे मतलब कि ऐसा भी हुआ है कि मैं लिटरली मुंबई गया हूँ वड़ा पाव खा कर वापस आ गया हूँ सच्ची में सच्ची मैंने किया है हम लोग दुबई भी ऐसे गए थे क्योंकि हमारा जो फ्लाइट का टिकट बैठता था वो बैठता था कितना पाँच सौ रुपए का चार हाँ मतलब टैक्स देने पड़ते हैं तो पांच फैमिली के लिए होता है वो जो भी हमारा ये, देख रहे हाँ, हैं उनको सबको सब है, पाँच पांच लोग अलाव होते हैं है। okay, so, तो तो मास्टर्स भी फिर मैंने मास्टर्स करा अपना सरे यूनिवर्सिटी लंडन से इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में

ऑनलाइन स्टोर का नाम क्या है कॉस्ट्यूम काउंटी कॉस्ट्यूम काउंटी ये तो बड़ा छोटा सा आंसर चलो कोई बात नहीं है उससे अगला मैं पूछता हूँ दिखा दिखा नहीं हाउ यू मेट सारांश जीजू उसका एक प्रॉपर अलग से व्लॉग आएगा जिसमें uh, ये ये क्या बात हुई उसका हाँ, उसका एक व्लॉग है ना व्लॉग आएगा ना मैं वो लव स्टोरी वाला पूरा कि हम कैसे मिले कब शादी है और एक चीज और सबसे पहले बात किसको पता चली

यार इसकी बड़ी उसके अलग एक स्टोरी है वो आ भी गए हैं वापस भी चला गया है।, है बहुत बड़ी पर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे से मांगते हो मैं बहुत आलसी हूँ डॉक्यूमेंट्स देने के चक्कर में मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसे डॉक्यूमेंट्स देने हैं कहाँ देने हैं तो मुझे बहुत लंबा प्रोसेस लगता है तो मैंने उनको एक दो बारी कॉल पर बोला कि भाई आप ऐसे ही दे दो ना अब या फिर आप दूसरे नंबर पे कॉल कर लो फिर मुझे लगा कि बहुत लंबा प्रोसेस है मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर आप वापस ले जाओ तो वापस चला गया या फिर अभी भी उनके पास से शायद या फिर मेरे को पता ही नहीं है अगर किसी को पता है कैसे वापस दिलवा सकते हैं हमें तो प्लीज हमें हेल्प करना क्योंकि मैं तो उस टाइम यूएस में था तो मेरे पे कॉल भी नहीं कर पाए और इसीलिए इसका सिल्वर बटन अभी तक नहीं आया जो कि मुझे बहुत खुशी होती इसका सिल्वर बटन आता तो ओके okay, तो लोग पूछना चाहते हैं कॉस्ट्यूम काउंटी की जर्नी कीर्ति से उसका भी एक अलग व्लॉग है पर तो ये व्लॉग किसका है फिर ओके सो गाइस एक काम करते हैं कि कॉस्ट्यूम काउंटी के लिए एक स्पेशल ब्लॉग रखते हैं हमारी बहना का उससे रिक्वेस्ट करेंगे अगला ब्लॉग उसी का दे दें या फिर अगला सारांश वाला आप लोग बताना ओके okay, सो so गाइज अभी मैं उस पर से थोड़ा सा तो भाई टच करूंगा उस टॉपिक को कि कॉस्ट्यूम काउंटी की जितनी जर्नी तू अभी बता सकती है उतना अभी बता दे पूरा ब्लॉग नहीं उतनी जितना तू अभी शेयर कर सकती है मतलब मैं एक बहुत शॉर्ट में बताऊंगी जब मैंने स्टार्ट करा था तो मतलब मेरे को पूरे महीने के पंद्रह भी ऑर्डर्स नहीं आते थे दस भी नहीं आते थे मेरा पूरा पूरा दिन पूरे दो दिन तीन दिन निकल जाते थे मैं मास्टर जी और मेरे जो टेलर्स थे हम सिर्फ बनाते रहते थे कपड़े पर हमें पता नहीं होता था कि वो कपड़े का कभी कोई ऑर्डर आएगा नहीं आएगा तो मेरे को पता ही नहीं था मुझे लगता था कि ओ बस मैंने इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और बस मेरा बिजनेस चल जाएगा पर मुझे पता ही नहीं था कि मार्केटिंग होता है सोशल मीडिया होता है इन्फ्लुंसर से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं गूगल एड्स एस फेसबुक एड्स और uh... मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो मुझे पता ही नहीं था कि ये सब चीजें भी होता है मैंने थोड़ा 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 स्टार्ट करा दूसरे ब्रांड्स को पढ़ना कि दूसरे ब्रांड्स कैसे कर रहे हैं फिर मैंने बहुत सारी स्टडी करना स्टार्ट करा उनकी केस स्टडीज वगैरह आती है मैंने वो देखा कि वो लोग कर कैसे रहते हैं फिर मैं अपने साथ वाले ब्रांड्स को भी देख रही थी कि वो इतने सारे कोलैब्स कर रहे हैं इन्फ्लुसर से सेलेब से पर मेरे को समझ ही नहीं आता कि कैसे कर रहे हैं ये कैसे होता है ओके तो दीदी मतलब जैसे तेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था ऑर्डर नहीं आ रहे तेरे पूरे पूरे दिन तू बैठी रहती है

इसमें भी वही है यार दोनों ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आ, मतलब इसको अगर मैं छोटा सा कंबाइन करूंगी मतलब एक छोटी सी लाइन है तो मतलब सरांश अगर मेरी स्ट्रेंथ है तो लखन मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है मेरी आ, वीकनेस क्योंकि अगर इसके ऊपर कभी भी कोई बात आ जाती है ना कुछ हो जाता है अगर मैं इसको सैड देखती हूँ तो मतलब मैं इस अंदर से सैड हो जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन खराब हो जाता है अगर इसके साथ कुछ होता है तो ये मेरी ना एक होता है कि कोई जैसे नीतू है नीतू भी मेरी स्ट्रेंथ है पर घर में सिर्फ एक एक, एक ऐसा इंसान है जो मेरी वीकनेस है वो है लखन तो मतलब लखन यहाँ है बाकी मतलब बाकी सब भी इधर ही हैं पर लखन थोड़ा <laughs> मतलब मैं समझ गया है कि मैं किसी की कभी नहीं मैं, <laughs> मैं, <laughs> मैं मैं तो तो पावर नहीं बनूंगा मैं अच्छा चलो चलो ओके ठीक है वाला पूछा दीदी नेटफ्लिक्स पर आप क्या देखते रहते हो सब ये पूछना चाहते हैं मैं थ्रिलर सीरीज वगैरह देखती रहती हूँ कुछ ना कुछ एक अच्छी सीरीज सजेस्ट करो एक अच्छी सीरीज सजेस्ट करो हमारी ऑडियंस को प्रेजेंट ब्रेक प्लीज आप सब देखना बहुत बहुत अच्छी है इसका कमीशन बना हुआ है जितने भी लोग देखेंगे वहाँ पे इसको उसका कुछ परसेंटेज मिलेगा मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ठीक है ओके जब तू पहली बार नीतू से मिली ट्रू रिएक्शन क्या थे तेरे एक तो मेरे को पता है अच्छा नीतू से मैं फर्स्ट टाइम मिली थी आ, मैं आई गेस मैं बाहर कहीं गई हुई थी मैं अंदर आई वापस और ये डाइनिंग टेबल पे थी हमारे विला वाले तो ये इधर साइड खड़े हुए थी मैं इधर से आई हूँ लखन ने मुझे बोला था कि ये नीतू है इसको हेलो बोलो तो मैंने उसको दीदी मैनेजर है क्योंकि ये बोल के बोला था ये मेरी मैनेजर है मेरी मैनेजर है हम लखन ने इसको बोला कि मैं मैनेजर हूँ मेरे को इससे मिलाया कि मेरी आ, मैं इसके साथ फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरे घर पर आई है हेलो बोलो मैंने हेलो बोला फिर उस टाइम ना नहीं तो बहुत ज्यादा फर्स्ट टाइम घर आई थी तो ज्यादा बात नहीं कर रही थी थोड़ा सा शाये और आराम से बात करने वाली और आराम से बस बैठे हुए है खड़े हुए है तो मैंने उसको बोला अच्छा रूम में भी आ जाओ अच्छा आप बैठ सकते हो रूम में आ जाओ तो बोली नहीं नहीं मैं ठीक हूँ हमें वीडियो बनाना है हमें जाना है बस हम लोग जा रहे हैं <laughs> निकल रहे हैं तो मुझे लगा अच्छा ओके फाइन मुझे लगा बहुत चाइस मुझे लगा मैं फर्स्ट टाइम मैंने उस टाइम इतना इंटरेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की थी तो मुझे लगा था कि मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम मिल रही हूँ जैसे कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाने आते हैं और फिर चले जाते थे तो मैं ऐसे लोगों से इतना इंटरेक्शन रखती थी उस टाइम कि हाय हेलो और फिर मुझे पता था कि एक दो बारी मिलना है बस तो पर मुझे नहीं पता था कि ओ Oh, 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 <laughs> आपें। आपें। तो, <laughs> अच्छा, ऐसा बॉन्ड कैसा बन गया तेरा फिर मेरा नीतू से hmm. मेरा ना नीतू से स्टार्टिंग में ऐसा बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं था मेरे को ना हमेशा अच्छा ये बहुत ऐसा लगेगा कि वो बड़ी फिल्मी सी लाइन है पर जैसे मेरे तीन भाई छोटे मेरे को हमेशा से चाहिए था कि मेरे साथ एक बहन जरूर हो कि क्योंकि एक होता है ना कि जैसे भाइयों में बॉन्ड था तो मेरा भी मैं चाहती थी कि किसी के साथ ऐसा बॉन्ड हो कि मेरी एक बहन होती या कुछ होता पर जब मेरी नीतू आई थी तो मेरा स्टार्टिंग में नीतू से ऐसा बॉन्ड नहीं था जब नीतू हमारे घर हाँ, में कोविड में वापस नहीं जा पाई थी तो मेरे को याद है कि नीतू उस टाइम मेरे साथ रूम शेयर करती थी नीतू दस बजे सोने की नीतू को आदत नाइन थर्टी दस बजे तक सो जाती थी, थी मैं आठ बजे अपने रूम में आती थी, थी और मैं और नीतू ना बहुत रात रात मतलब दस बजे तक बहुत रात थी तो वो नीतू के लिए बहुत रात होती थी <laughs> तो हम लोग आराम से मेकअप करते थे, थे। हाँ नीतू कभी मेरा कोई मेकअप कर रही है कभी मैं इसका कोई मेकअप कर रहा हूँ हम लोग नए नए जो उस टाइम ट्रेंड चलता था तो उस टाइम उस पर जो भी ट्रेंड आता था मैं और नीतू रात रात में वो ट्रेंड करते थे वो पिलो, पिलो, पिलो वाला पिलोड़ सा ये सब तो हमारा आई गेस वहाँ से बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ पर वो एक फ्रेंडशिप थी जो हमारे बीच में स्टार्ट हुई उसके बाद फिर धीरे-धीरे धीरे-धीरे इमोशनली हां वो इमोशनल वाला अटैचमेंट होता हाँ, गया।, गया फिर फिर तो हाँ। भाई भगवानी तो मान के ठीक है भाई ओके अब अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो बहुत लोग पूछना चाहते हैं आपकी इनकम के बारे में इनकम गाइज मेरा मतलब क्लोदिंग ब्रांड है और हमारा बिजनेस कभी ऊपर कभी नीचे सब तो चलता ही रहता है कि जब दिवाली वगैरह का टाइम होता है तो थोड़ा बिजनेस थोड़ा कम होता है क्योंकि हमारी वेस्टर्न वेयर ड्रेसेस हैं और जैसे ही वेलेंटाइन का टाइम आता है और क्रिसमस न्यू ईयर्स ये सब चीजें आती हैं तो उस टाइम बहुत ज्यादा हाई पर होता है तो ऐसी कोई फिक्स इनकम नहीं है मतलब पिछले दो साल से एट फिगर्स पर क्लोज करते हैं अपना अकाउंट दैट्स वेरी गुड ओके डोंट शो ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूचर प्लान्स

रहा है. <laughs> uh, तो मैं ऐसा कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके नहीं चलती हूँ मेरे बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं जिसको मैं कम्पलीट करने की कोशिश करती हूँ जैसे

वो है कि इसको हमारे सारे के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बताना है okay? करते हैं। पाई से ठीक पाई से। है पाई का नेगेटिव पाई का नेगेटिव यही है कि वो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं मतलब बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं हाँ। लेकिन पाई का गुस्सा ना दो तीन मिनट का होता है दो तीन मिटका होता है और एक साथ mm. एक साथ ऐसे एकदम से, से नीचे हो जाता है और पाई का पॉजिटिव ये है कि पाई दिल के बहुत साफ है मतलब बहुत इमोशनल है अगर आप उनके सामने अपनी कोई ऐसी बात करोगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया या मैंने ऐसा कर लिया वो हो गया तो ना आपसे पहले रोने लग जाएंगे वो बहुत जल्दी रो जाते हैं है। मतलब तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा है अभी तक कि जो आप अगर आप उसको कुछ भी ऐसी चीज़ बता रहे हो अपने लाइफ से रिलेटेड या अपने किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो बहुत जल्दी रो जाते हैं बहुत इमोशनल हो जाते हैं फिर ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा अच्छा बताओ मेरे से क्या चाहिए कुछ चाहिए वो पाई का पॉजिटिव है और एक मुझे लगता है पाई ना हार्डवर्किंग बहुत है यार क्योंकि मैंने देखा है कई बार ऐसा होता था पता है कि पापा रात में दो बजे आ रहे हैं और सुबह पाँच बजे फिर निकल गए तो यार हार्ड वर्क में भाई ही इज़ अनबीटेबल बहुत ज़्यादा मतलब मैंने मेल में मैं कहूँगा मैंने पाई का इतना वर्क देखा है फीमेल में मैंने नीतू का हार्ड वर्क देखा है क्योंकि मैंने नीतू का भी देखा है कि रात में अगर कई बार हम शूट से बहुत लेट फ्री हुए दो बजे और सुबह वो वही अपना डेली रूटीन पाँच बजे उठ रही है मतलब मुझे लगता है इन दोनों को देखे कि एक ना कैटेगरी होती है स्लीपलेस इलाइट यही बोलते हैं ना जिनको एक तो नींद कमाती है इन दोनों में क्वालिटी यही है और दूसरा ये कि भाई इन इनके लिए ना काम अपना सबसे ऊपर है मतलब पागल है भाई काम का जो मैंने किसी में नहीं देखा ओके okay, तो अब बढ़ते हैं अगले की तरफ वो है भमू भमू की एक नेगेटिव चीज

कभी कभी ऐसा बोल था बोल था कि कुछ कि और देते में या फिर फ्लो में कुछ भी बोल देता है तो वो थोड़ी वैसी है और मम्मी का पॉजिटिव आई गेस वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल है पाई की तरह तो दोनों आई थिंक बिल्कुल सेम है इस चीज़ में कि पाई भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं किसी की बात सुनकर और भमू भी ऐसी है कि वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है ओके अबी के हिसाब से तो सबसे बड़ी फिर उनके बाद तू बनती है तो अपने बारे में तो कुछ बोलेगी नहीं नहीं अपने हाँ। बारे में पता होता क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव पौ हां हा? तो बताइएओ भाई बताइए आपको पता होता है हां पता मेरे बारे में पॉजिटिव हां मेरे बारे में पॉजिटिव ये है कि भाई इसमें कोई फिल्टर नहीं है बहुत पॉजिटिव है हाँ कोई फिल्टर नहीं है अच्छा फिल्टर है ही नहीं मतलब ये जो है ये है ये सच में वही है मतलब जो है नेगेटिव कई बार क्या होता है ना हाँ मतलब मेरे को ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लाइफ में मैंने हमेशा देखा है कि अगर आपका मतलब लोग मेरे से ना एक और क्वेश्चन ये भी था इसी के साथ ही आंसर हो जाएगा चलो कि आपके आसपास अभी आप बहुत दिनों से सब कुछ चल रहा था आप इतने पॉजिटिव क्यों रहते हो कैसे रहते हो बिकाज मैंने अपनी लाइफ थोड़ा सा इजी करके चलती हूँ मतलब लाइफ इजी होती है हम लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं कैसे कि हमें बाई चांस कोई इंसान नहीं पसंद है या कुछ नहीं है फिर भी हम लोग की ओ सोशल मीडिया को दिखाने के लिए या फिर कुछ लोगों को दिखाने के लिए या तीन चार लोगों को दिखाने के लिए फैमिली को दिखाने के लिए उससे अच्छी बॉन्डिंग करने की कोशिश करते हैं और दिल में कुछ और होता है तो मेरा ना ऐसा मैंने अपने आप को बनाया ही नहीं है मेरे साथ ये होता है कि या तो आप मेरी लाइफ में हो मैं आपको सर पर चढ़ा के रखूँगी या तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो बीच में रहने वाले लोग मेरी लाइफ में

कई okay, बार पापा इसको बोलते तेरे को वकील होना चाहिए था <laughs> इसके जब ये आर्ग्यूमेंट में बैठती है ना तो आप या तो बहुत अच्छी होमवर्क करके आना या फिर मत आना आते ही हार जाना क्योंकि इसके पास ऐसे ऐसे पॉइंट होंगे मतलब आर्गूमेंट तो में भी नहीं हाँ, बहुत वैलिड चीज मतलब हाँ। इसकी बातों के जवाब नहीं होते भाई ये मेरे से भी कई बार क्या होता अभी मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि यार तुम लोग तो मतलब तुम भाई बहनों में इतना प्यार है ऐसा नहीं झगड़े होते हैं कई बार मेरे को आके करेक्ट करती है कुछ चीजों पर जब ये अपने पॉइंट लेके आते तो उस टाइम स्पीचलेस होता है कहा तू मेरी माँ तो सुनाती है मेरे लोग क्या क्या बोल रही है और इसके पॉइंट ना मतलब वेल रिसर्च पॉइंट होते हैं इसके सारे तू क्या बोलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव यही है ना या कुछ और यही है नहीं नहीं तो अपनी साइड से ही बोलो ना यार अगली अपनी <laughs> साइड से तो मैं यही बोलूंगी यार यार बहुत पॉजिटिव हो यार आपकी जो ये और है ना बहुत पॉजिटिव है क्योंकि आप आप में कोई फिल्टर नहीं है आपके जो दिल में दिमाग में आप बोल देती है चाहे वो अगर मैं बुरी भी लग रही हूँ ना किसी दिन की मेरे हेयर हिस्सा तो वो बोल देंगे कि बहुत गंदी लग रही हो प्लीज चेंज कर कर आओ तो ये चीज़ बहुत अच्छी ये होनी चाहिए हर इंसान में सच बोलना चाहिए मैं भी बहुत झूठ बोलती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगा यार अच्छे लग रहे हो लेकिन ऐसी नहीं है तो अब हम अब मेरे बारे अब में पॉजिटिव और नेगेटिव लखन का पॉजिटिव और नेगेटिव ओ माय गॉड लखन का नेगेटिव सबसे पहले लखन का नेगेटिव बात करते हैं आई थिंक लखन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कर देता है लखन को लगता है कि जैसा वो है दुनिया वैसी है तो वो अपनी जैसे वो चाहता है ना कि लोग उसे ट्रीट करें वैसे वो पूरी दुनिया को ट्रीट करता है अपने आसपास के लोगों को वो नेगेटिव ट्रेट भी है और वो इसके ऊपर ही वो फिर बाद में हैवी हो जाता है हाँ थोड़ी चीजें मतलब लो, लखन को लोगों की समझ नहीं है मुझे ये लगता है कि ल, लखन को ये लगता है कि अगर कोई सामने वाला उससे मिलने आया बहुत स्माइल अच्छे से बात करते तो लखन को लगता है ओ लखन पूरे दिन फिर उसके बारे बा, में बात करता है।, है कि अरे वो इंसान इतना अच्छा था ऐसे मिला वैसे मिला वैसे मिला और फिर हाँ, मतलब मैं हूँ घर में नीतू है मम्मी हो पाई कोई भी हो हम लोग ना हमेशा लखन को यही चीज समझाते हैं कि सकता है इंसान को नहीं नहीं मम्मा आप नहीं जानते वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा है। और फिर उसके बाद जो होता है लखन के साथ वो लखन लखन समझ सकते okay, तो लखन के साथ बहुत कुछ है मतलब सबसे ज्यादा बता दे यारू यारे पॉजिटिव सुनने को लखन के बारे में एक बात है कि लखन के अपनों के लिए है ये कि अगर मैं हूँ नीतू है मम्मी पापा यशकरण कोई भी है अगर हम इसको कोई भी कितना भी हर्ट करेंगे एक दिन गुस्सा रहेगा दो दिन गुस्सा रहेगा और जब जिस इंसान को अगर उसने से कितना भी हर्ट करा हो और वो प्यार से बोले तो प्यार से बोले या इसे प्यार से बुलाए ये अगर वो किसी भी उसको हेल्प की जरूरत हो ये सबसे पहले वहाँ पे खड़ा रहता हाँ। है और सबसे लास्ट में निकलने वाला होगा वहाँ से फिर जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता और ये मेक श्योर करता है कि वो चीज जो इंसान को बॉडर कर रही है वो इसको सॉल्व करा कर ही निकले तो ये एक बहुत अच्छी बात है बारे हो जाए, में हो जाए। जैसे मेरे अंदर है कि अगर मेरी बाई चांस किसी से लड़ाई हो गई तो मेरे को ना बहुत टाइम लगता है उससे ओवरकम होने में या उससे ओवरकम करने में कि मैं अब उस, उस इंसान के साथ हाय हेलो भी कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ मैं बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऐसी हुई नहीं पर लखन एक ऐसा है कि अगर आज लखन की लड़ाई हुई और कल वो इंसान फोन करके बोले लखन को कि ओ भाई मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए इस चीज़ में तो लखन वो सब भूल कर लखन चला जाएगा और शायद मैं नहीं चाहूंगी कभी भी ओके करण करण नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नेगेटिव नेगेटिव करण का ये है कि करण को बहुत गुस्सा आता है कभी कभी वो भूल जाता है गुस्से में थोड़ा सा कंट्रोल करना उसका भी मतलब पाई की तरह गुस्सा है तो मतलब पाई की तरह गुस्सा है मतलब मेरी तरह गुस्सा है मतलब हम तीनों का सेम तरह का गुस्सा है करण का पॉजिटिव है कि आ, करण लाइफ जीना जानता है करण को पता है कि अगर पैसे कमाने हैं तो फिर पैसे अगर आप कमा कर सिर्फ बहुत लोग होते हैं कि सिर्फ सेविंग्स करते रहते हैं मतलब यार मुझे लगता है करण ना लाइफ इंजॉय करता है पैसे भी कमाता है फिर उसके बाद लाइफ एंजॉय करने जाता है ऐसा नहीं कि भाई पैसे कमाए जाओ कमा जाओ मतलब वर्क हॉर्स हो, हो लेकिन हाँ इन्जॉय करो लाइफ ये चीज़ ओके यश 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 का नेगेटिव है आई गेस बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है बातों पर मतलब उससे कभी कभी बस एक मिनट में उसे गुस्सा आता है और फिर वो एकदम से रिएक्शन उसका देगा और फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसे बुरा नहीं लगता है उसको फिर 10-15 बार वो बात बुरी भी लगी कि ओ मैंने ऐसा क्यों करा या मैंने ऐसा क्यों बोला पर आई गेस उसको वो अभी आई गेस वो बच्चा भी है वो इतना मेच्योर भी नहीं है तो उसके अंदर वो समझ भी नहीं आई है कि एक चीज को समझकर उसके फ्रोज कॉन्स देखकर उसके बाद उसके बारे में बात करो तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है

अर्जुन को बस वो आंख दिखती थी तो ऐसा सा है उसका कि उसको सिर्फ एक ही चीज करनी है तो उसको पता है कि उसे क्या करना है लाइफ तो भाई पाई ने ना हर स्कीम उसके साथ दौड़ा के देख ली क्योंकि ऐसा होता है ना घर वाले देखते हैं कि मिक्स कर रहा है वो उसमें कितनी लड़ाई होती है मुंह से खून निकलने लगता है तो यार घर वाले तो डरते हैं भाई ने उसको कि बेटा मैं ऐसा बिजनेस करा के दूंगा तू तो छोड़ के आ जा मैं तुझे तो ये सेट करके दूंगा वो सेट करूँगा नहीं भाई उसको फाइट ही करनी है मतलब उसके लिए हमने अपने सारे साम दाम दंड भेद सब अपना लिए उस बंदे को भाई उस बंदे को पहले अपना वाला वा वो फाइट करना उसके बाद वो सेकेंडरी रखेगा सब चीज़ों को तो ये चीज़ आई बहुत अच्छी है कंप्लीट अरे नीतू का पॉजिटिव नेगेटिव यार वो फैमिली में मैं फैमिली में नहीं हूं ओके ओके अब तो शादी होगी तो यू आर इन फैमिली ओके ऑफिशियली चलो <laughs> पॉजिटिव नहीं पहले नेगेटिव पहले नेगेटिव नीतू का नेगेटिव होगा कि नीतू को अपनी बात एक्सप्रेस करनी नहीं आती है बिल्कुल भी मतलब अगर वो कोई भी चीज फील भी कर रही होगी ना अंदर से कि उसको फील ये हो रहा है पर उसके सामने वाला इंसान बाई चांस खड़ा हुआ है और उसको वो फीलिंग ही नहीं आ रही है कि उस इंसान से बात करे या कुछ करे या उसको कुछ बोलना भी हो उस इंसान को तो वो कभी नहीं बोल सकती उसको ये लगेगा कि नहीं बस खड़े रहें वहाँ पर आराम से बैठ जाओ मैं ऐसे बहुत बार इस चीज़ पे बोलती हूँ कि कभी कभी ना ऐसा होता है कि इंसान के अंदर वो गुस्सा ना गुस्सा या कुछ बातें अंदर रह जाती हैं जिससे अगर वो निकाल दे टाइमली निकाल दे तो उसका जो दिमाग होता है वो खाली हो जाता है और मुझे लगता है इसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है सबको लेकर ले चलती रहती है पर ये कभी भी कुछ सामने से बोलती नहीं है क्योंकि इससे क्योंकि ऑब्वियसली कि ये बड़ी है इससे एक्सपेक्टेशन भी सबसे ज़्यादा हैं इससे कि एक सर्टेन वे में इसको बिहेव करना है एक सर्टेन वे में इसको चीज़ें बोलनी है तो उसकी वजह से ना इसके अंदर आई गेस वो थोड़ा सा डर भी है कि अगर मैं ये चीज़ बोलूँगी तो इस चीज़ को इस तरह से ना लिया जाए या उस तरह से नहीं बोला जाए तो एक छोटा सा डर भी है और प्लस इसको एक्सप्रेस करना भी नहीं आता है तो वो तो, तो मैं इसके तुम्हें साथ मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे बोलते हैं पॉजिटिव यही है कि बहुत ईजिली मतलब उसी नेगेटिव से निकल हुआ इसका एक पॉजिटिव है कि ये बहुत इजीली लेट गो कर देती है चीज़ों को कि अच्छा हो गया, हो गया गया जाने दो ना चलो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इस बारे में क्यों सोचना है अरे आगे बढ़ो ना काम करते हैं अब या फिर कभी कभी मैं और लखनऊन कोई बाई चांस तो अरे अब छोड़ो ना इस टॉपिक को अब आगे बात करते हैं चलो काम करते हैं चलो वीडियो बनाते हैं अरे जाने दो मतलब इसका ना थोड़ा ऐसा वाला एटीट्यूड है कि मतलब ये एकदम से भूल जाती है कि क्या हुआ ये क्या नहीं हुआ हाँ मैं भूल जाती हूँ किसी ने क्या किया क्या नहीं किया मैं भूल जाती तुरंत हूँ तुरंत मुझे लगता है ये अपना गुस्सा ना काम पे निकालती है हाँ। मतलब जो हाँ। इसके अंदर गुस्सा है ना भाई कई बार पर भी। हाँ कई बार ऐसा कि इसके अंदर गुस्सा है बहुत ज्यादा तो ये और ज़्यादा काम करने लगेगा क्योंकि नहीं यार अभी ना और कहेगी इस टाइम मेरे से कोई बातें मत करो मतलब हमें पूरी टीम को पता होता है कि हाँ इस टाइम ये हर्ट है किसी बात से और पता कैसा चलता है कि उस टाइम उस टाइम ना बहुत ज्यादा बात वरना तो आप देखोगे कि हमारे टीम में हमेशा ऐसी मजाक होता रहता है काम करते टाइम लेकिन उस टाइम पे ना वो शायद एक बीस मिनट का पच्चीस मिनट का ऐसा फेज आता है कि हाँ नहीं तो कब सीरियसली काम कर रही है उसका ना वो कुछ सोच रही है काम करे जा रही करे जा रही करे जा रही तो इसका मतलब थोड़ी ना कहीं ना कहीं हर्ट है बट हाँ ये अच्छी चीज़ है कि अपना गुस्सा काम पर निकालो तो उससे क्या है ना वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में नहीं लगेगा आपका गुस्सा किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लगेगा और वो आपके लिए फायदेमंद होगी तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती मुझे भी ओके okay, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन ब्लॉग एंड करने से पहले तेरी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी मेरी फेवरेट चाइल्ड हुड मेमोरी जब हम लोग स्कूल से वापस आते थे और स्कूल से वापस आते ही हम लोग जब रिमोट के लिए लड़ते थे मतलब हमारा एक छोटा मतलब घर था और उसमें एक ही टीवी था और हम लोग का हमेशा रहता था कि कौन सबसे पहले, पहले वो टीवी देखेगा देखे 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 रिमोट रखेगा हमें कई बार आके फिर ड्रेस चेंज करने जाए तो आके सबसे पहले रिमोट छुपा दिया फिर ड्रेस चेंज हमारे साथ ही सबके साथ होता हुआ दीदी लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि तुम्हारा अलग अलग क्वेश्चन है लास्ट लास्ट क्वेश्चन है कि कि आपको सारान में क्या दिखा कि आपने सोचा कि हाँ मुझे अब इसी इंसान से शादी करनी है अपनी पूरी लाइफ बितानी है ऐसा क्या हुआ तो उसका कुछ थोड़ा सा आप बता सकते हो आई नो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा बट हमें अभी भी जाना है थोड़ा सा थोड़ा सा आई सबसे इंपॉर्टेंट था फैमिली मतलब मैंने जब सरार्ज से भी मेरी बात स्टार्ट हुई थी ना मैंने सरार्ज को भी स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैं एक बार ही तुम्हारी फैमिली से ज़रूर मिलूंगी कुछ भी फ़ाइनल करने से पहले क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि फैमिली और फैमिली में भी ना ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि आप अपनी फैमिली में कुछ चीज़ें देखते हो और आप चाहते हो कि वो उस फैमिली में भी हो तो वो चीज़ें देखनी थी मुझे और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि आप चाहते हो कि वो जो इधर है जो इस फैमिली में है वो उस फैमिली में नहीं हो मतलब दोनों साइड से होता है कि मतलब उसके कुछ पॉजिटिव भी होता है कुछ नेगेटिव भी होता है तो मुझे वो सारी चीज़ें एक पर ही देखनी थी और और देखी आपको पसंद आ हाँ मतलब और क्या क्या चीज़ें थी कैसे कैसे था वो पूरा का पूरा मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में समझाऊंगी जब मेरे शादी वाला और मैं और सरांश कैसे मिले थे उसकी पूरी लव स्टोरी वाला व्लॉग आएगा हाँ। उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि क्या चीज़ें थी पर फैमिली मेले बहुत मैं और और मतलब मैं आंटी से और अंकल से जब फर्स्ट टाइम मिली थी ना मेरे को आंटी अंकल ने मेरे को एक पर्सन भी ये फीलिंग नहीं आने दी कि मतलब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ या कुछ भी मैं उनकी भाभी से मिली थी जब मैं उनकी भाभी से भी जब फ़र्स्ट टाइम मिली थी मुझे इतना अच्छा लगा देखकर कि उनकी शादी को चार साल हो गए हैं और उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था शादी को लेकर कि उनको एक सर्टेन वे में रहना है या फिर अब बच्चे कर लो या फिर अब ये ओ, ऐसा कुछ होना है कोई प्रेशर मतलब कोई प्रेशर नहीं है कुछ नहीं है बहुत अच्छे से एक फैमिली की तरह रहते हैं पूरा सब कुछ उन लोगों पर छोड़ा हुआ है उनको जब जैसे रहना है जैसे